आए शक्ति योगा विद शैली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। क्या आज आपने अपने लिए थोड़ा समय निकाला? आई नो बिजी लाइफ है, कई बार समय निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाउ अबाउट आई टेल यू कि 5 आसन ऐसे हैं जिन्हें आप रोज करें तो भी अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। कौन से हैं वो 5 आसन, आइए करते हैं। पहला आसन ताड़ासन। हम सीधे खड़े हो जाएंगे और फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए हम अपने आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे। फिंगर्स को इंटरलेस किया, टर्न योर पाम्स आउटवर्ड्स और फिर अपने आप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। डिसबैलेंस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस भरते हुए बाजुओं को ऊपर लेकर गए, फिंगर्स को इंटरलेस करके पाम्स को ऊपर टर्न किया, स्ट्रेच अपवर्ड्स। अपनी हील्स को जितना लिफ्ट कर सकते हैं अवे फ्रॉम द ग्राउंड करेंगे। स्टे देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। शुरुआत में आप ये आसन अगेंस्ट द वॉल कर सकते हैं। एक्सहेल एंड कम डाउन। सेकेंड आसन इज अ साइड स्ट्रेच। इनहेल आर्म्स अप, लेफ्ट हैंड से राइट रिस्ट को पकड़ा। अब हम सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए टर्न टू योर लेफ्ट, गिविंग अ गुड स्ट्रेच टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आई एम होल्डिंग इट फॉर 10 seconds। आप शुरुआत में 4 to 5 seconds कोशिश करें, फिर ग्रेजुअली 10 एंड इवन लॉन्गर। Inhale, come back up. Exhale, arms down. On the other side, inhale, arms up. अब राइट हैंड ने लेफ्ट रिस्ट को पकड़ा है, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए हम अब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच दे रहे हैं। ये आप कम से कम 3 बार करें ऑन ईच साइड। Inhale up, exhale, relax. तीसरा आसन है वज्रासन। दंडासन से दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में पुश करते हुए टांगों को स्लाइड कर लें। आपकी नीज बेंट हैं, हिप्स रेस्ट कर रहे हैं बिटवीन द हील्स, कमर सीधी है, आंखें बंद हैं, हाथ रेस्ट कर रहे हैं थाइस पर। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसे रोज करना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फोर्थ आसन है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे है। सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाया, स्टे देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, सांस छोड़ते हुए वापस। अगर इनिशियली भुजंगासन अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी बाजुओं को कोहनियों के बल पर रेस्ट करते हुए अपने फेस को इस तरह से हाथों पर रेस्ट करें और फिर एक एक करके आप अपनी लेग्स को इस तरह से बेंड करें। ये भी आपकी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। Slowly coming out of it, ये आप कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें। पांचवा है स्टैंडिंग बैलेंस, ट्री पोज, वृक्षासन। राइट नी को बेंट करके ओपन अप किया और राइट फुट को प्लेस किया ऑन द लेफ्ट इनर थाई। बैलेंस को मेंटेन करते हुए हाथों को या तो प्रेयर पोजिशन प्रणाम आसन में या फिर ऊपर ले जाएं बाजुओं को और फिर पैम्स को एक साथ ले आए। स्टे देयर, कम से कम 10 सेकेंड इस पोज को होल्ड करने की कोशिश करें। कीप ब्रीदिंग डीप। बैलेंस के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये पोज बहुत अच्छा है। शुरुआत में इसे आप वॉल के अगेंस्ट प्लेस कर सकते हैं, कहीं बाहर किसी पार्क में कर रहे हैं तो ट्री पोज को ट्री के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द पोज विद द ट्री, डोंट फॉरगेट टू हग द ट्री। Now repeat it on the other side. अब left knee को मोड़ के open up किया और फिर left foot को place किया on the inner right thigh.
standing strong and straight, breathing in deep. ये पांच आसन आप हर रोज प्रैक्टिस करें और लगातार इसी तरह से शक्ति योगा विद शैली के साथ बने रहें। आपके कोई फीडबैक या सजेशन है तो ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।